हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगिर क्लासेस में। क्विज अभ्यास का 7वीं की साइंस का सॉल्व करेंगे वीक 41 और डेट है 16/4/2022। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, पवन के प्रवाह के बारे में कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, पवन का वेग बढ़ने से पवन का दाब बढ़ जाता है। वायु के गर्म होने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर है वायु फैल जाती है। चक्रवात का वह क्षेत्र जो शांत रहता है क्या कहलाता है? आंसर होगा नेत्र। चक्रवात का पवन वेग कितना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 200 सेमी से अधिक किलोमीटर प्रति 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। वायु के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। पवन धारा उत्पन्न होने के क्या कारण है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है हरिकेन। शीतकाल में पवन का थल से सागर की ओर बहने का क्या कारण है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शीतकाल में थल का तापमान सागर के तापमान से कम होता है और पवन कम ताप से अधिक ताप की ओर बहती है। निम्न में से किस क्षेत्र में चक्रवात आने की संभावना नहीं है? सही उत्तर है चंडीगढ़। थलीझंझा और चक्रवात किन क्षेत्रों में विकसित होते रहते हैं? आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दोनों में। थलीझंझावात का निर्माण कैसे होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ताप में वृद्धि होने का कारण ऊपर उठती हुई पवन वायु में उपस्थित जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहाँ का ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और दोबारा नीचे की ओर गिरने लगती हैं। इस प्रकार हमने क्विज अभ्यास के सभी प्रश्न कर लिए हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में।